हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डाउटनेट में। देखिए, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे सीरीज के क्वेश्चंस को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर आप कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर को यूज़ किए। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं और हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी नंबर का सीरीज अगर हमें दिया हुआ है और हमें उसका आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने ले रखा है √42 + √42 + √42, और ये इनफाइनाइट टाइम्स पे ये जा रही है सीरीज, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पे देखिए डिफरेंट वेराइटीज हैं। अगर मैंने लिखा इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो गया, मैंने देखा इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, 72 - √72 - √72, और इनफाइनाइट टाइम्स पे जा रही है ये सीरीज, इसका आंसर हो गया 8, ठीक है। अगर देखिए नेक्स्ट सीरीज √5 + √5 + √5, ये एंड सो ऑन ऐसी सीरीज जा रही है, ठीक है। तो इसका आंसर अगर मैं कहूं कि ये मुझे सीरीज दे रखी है y के इक्वल टू, तो मुझे y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका आंसर क्या आ रहा है, मैंने कहा कि y की वैल्यू जो होगी वो लाई करेगी 2 और 3 के बीच में। ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, तो देखते हैं कि कैसे ये आंसर आएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन लेंगे और मैं आपको बताता हूं कि ये आंसर आप कैसे ऐसे ही देखते निकाल पाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया √42 + √42 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट टाइम्स पे है। तो देखिए कभी भी अगर आपको इस टाइप की सीरीज दी हो कि सेम नंबर है और प्लस लगा हुआ है बीच में, तो आप क्या करिए, क्वेश्चन को देखते ही आप क्या करेंगे, इसको फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। और फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, ये कंसेक्यूटिव फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे कि अगर आपने 42 देखा तो आप क्या देखेंगे, इसको 6 × 7 लिख सकते हैं, 6 और 7 इसके फैक्टर्स होंगे और कंसेक्यूटिव फैक्टर्स होंगे, यानी कि इसका फैक्टर क्या होगा 6 और 7 इसके फैक्टर्स होंगे। और ये फैक्टर कैसे होने चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, या फिर मैं कहूँ कंसेक्यूटिव फैक्टर हूँ, कंसेक्यूटिव फैक्टर होंगे तो डिफरेंस ऑलरेडी इनका 1 होगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो बिगर नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, मैंने क्या कहा था 42 का आंसर क्या आएगा 7, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि इस सीरीज के लिए मेरा आंसर क्या होगा 7, ठीक है। ये आप बात समझ गए। अगर मैं कहता कि सेकेंड क्वेश्चन पे माइनस लगा हुआ है, अगर पहले वाले में माइनस लगा होता तो 42 की जगह यहाँ पे 7 की जगह पे मेरा छोटा नंबर आंसर हो जाता, यानी कि 6 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस है तो बड़ा आंसर, बड़ा वैल्यू मेरा क्या होगा, आंसर होगा। हम एक फैक्टर्स जो लेने हैं ये कंसेक्यूटिव फैक्टर्स होने चाहिए, ये बस ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट नंबर मैंने ले लिया 72 - √72, इसको अगर आप कंसेक्यूटिव फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे तो देखिए मैं लिख लेता हूँ इसके फैक्टर्स, तो 8 और 9 होंगे, ठीक है, फैक्टर्स मीन्स गुणनखंड, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या होगा, 8 और 9, अगर माइनस लगा हुआ है तो मेरा छोटा वाला वैल्यू जो होगा ये आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट ले लीजिए, नेक्स्ट सीरीज मेरी यहाँ पर क्या दे रखी है, √5 + √5 + √5, और ये इनफाइनाइट टाइम्स पे जा रही। तो देखिए यहाँ पर जब आप आएंगे तो क्या 5 को 2 ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं जो कि कंसेक्यूटिव हैं, नहीं नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इस टाइप के सीरीज के लिए क्या होता है, मेरे पास मैं कहता हूँ कि अगर ये 5 है, 5 की है और प्लस में लिखी हुई है, तो आप 5 का अगला नंबर लिखिए क्या हो जाएगा 6, ठीक है। और नंबर आप ऐसे +1 + +1 करके लिखते जाएंगे और आप देखेंगे कि ये नंबर क्या कंसेक्यूटिव फैक्टर में डिवाइड हो सकता है। तो मैंने देखा कि 6 नंबर अगर आया तो इसको मैं कंसेक्यूटिव फैक्टर्स में चेक करता हूँ डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 और 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर्स होंगे इसके, ठीक है, यानी कि लगातार फैक्टर्स, ठीक है, और इनका डिफरेंस 1 है क्योंकि कंसेक्यूटिव है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा, देखिए प्लस लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि 6 मेरा नंबर ऐसा था 5 के बाद जिसके फैक्टर्स कंसेक्यूटिव हैं, तो मेरा y, अगर मैं कहता हूँ कि ये सीरीज y के बराबर है तो y की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 2 और 3 के बीच इसका आंसर आएगा 2 और 3। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रखी है क्वेश्चन में तो उसके लिए भी हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, केवल आप उसको लगाना है और सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो देखिए हम फॉर्मूला भी देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले करते हैं फिर फॉर्मूला देखेंगे। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए सिमिलर प्रॉब्लम है, यहाँ पर 5 प्लस था, यहाँ पर क्या है √7 - √7, और ये सीरीज इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इस पर देखते हैं कि चेंज क्या आएगा। मैंने कहा कि ये सीरीज जो थी इसको मैं y के इक्वेट लिख कर देता, ठीक है, y की वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर प्लस हो रहा है सीरीज में तो मैं जैसे +1 कर रहा था, यहाँ पर मैं -1 करूँगा, यानी कि नंबर मेरा क्या था 7 था,
तो देखिए सात लिखा मैंने, और अगर इससे पीछे जाता हूँ तो पीछे नंबर कौन सा होगा, छः। तो आपको इसके पहले क्या होता, पाँच, लेकिन हम नंबर पे चेक करेंगे। अगर मैं छः को देखता हूँ तो क्या ये कंसेक्यूटिव फैक्टर्स में डिवाइड हो सकता है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकता है, कर लीजिए टू एंड थ्री, तो आ गया ये कंसेक्यूटिव फैक्टर्स। तो इसका भी आंसर क्या होगा, टू एंड थ्री के बीच में इस पूरी सीरीज का आंसर होगा, पूरी वैल्यू आ गई। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, देखते हैं एग्जैक्ट वैल्यू अगर आंसर में दे रखी हो, ऑप्शन में दे रखी हो, कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। देखिए ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसका आंसर क्या आया था, एट आया था, लिख लेते हैं। अब मैंने फाइव और सेवन वाले के लिए कहा कि मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देता हूँ, टू एंड थ्री के बीच में दोनों का आंसर आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि यहाँ पर अगर मेरी प्लस वाली सीरीज है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट फोर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। एक्स मेरा यहाँ पर क्या है, एक्स की जो वैल्यू दे रखी है फाइव दे रखा है, तो एक्स इज इक्वल टू फाइव लिख लीजिए, तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, रूट फोर इंटू फाइव ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, यानी कि ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई, रूट ट्वेंटी वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ओके, ये मेरा आंसर हो जाएगा अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर आंसर्स ऐसे पूछेगा कि ये सीरीज है वाई के इक्वेट में दी रखी है, तो वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगी। ओके, तो हम मैंने इसका आंसर निकाल लिया था, टू एंड थ्री के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। इसका भी आंसर क्या आएगा, चेक करते हैं, अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो एग्जैक्ट वैल्यू, और अगर मुझे अप्रॉक्सीमेट चाहिए, इन बिटवीन का रेंज पूछ रखा है कि किस वैल्यू से किस वैल्यू के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी इस सीरीज की, तो इसका भी आंसर क्या आया था, टू एंड थ्री। अब देखते हैं कि चेंज क्या होगा फॉर्मूले में। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट के लिए आंसर हो गया रूट ट्वेंटी वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ओके, हम देखेंगे चेंज क्या आता है। तो देखिए यहां पर मैंने कहा कि अगर सीरीज में प्लस है तो प्लस था, अब अगर सीरीज में माइनस है तो मैं माइनस रख दूं, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस रख दिया मैंने। ठीक है, एक्स की वैल्यू माइनस वाली सीरीज में क्या है, सेवन है, सेवन रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स की वैल्यू मेरी हो गई सेवन। ठीक है, तो ये मेरा वैल्यू क्या आ गया, ये वाई बराबर आ गया सेवन इंटू फोर ट्वेंटी एट, 28 प्लस 1 29, तो रूट 29 और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं, आपकी वैल्यू 2 एंड 3 के बीच में लाई करेगी। ओके, तो देखिए केवल चेंज कहाँ पे आ रहा है, ये माइनस और प्लस का जो आपको क्वेश्चन दे रखा है आपको वही करना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, ये मैं रीज कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला में आपको लिख के दे देता हूं कि चेंजेस क्या हो रहे हैं। तो मैं फॉर्मूला एक बार लिख लूं, तो देखिए वाई की वैल्यू हमें निकालनी होती है, मैं लिख लेता हूं फोर एक्स प्लस वन, और अगर प्लस वाला होगा तो प्लस आएगा, माइनस वाली सीरीज है तो माइनस आएगा। ठीक है, प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, अगर प्लस होगा तो आप प्लस रखेंगे, अगर सीरीज में माइनस है तो माइनस रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सीरीज, तो देखिए मेरा क्या दे रखा है, रूट एट इंटू रूट एट इंटू रूट एट, और ये इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रहा है। कभी भी अगर आपको ऐसी कोई सीरीज दे दे तो आपको जो संख्या का दिया हुआ है रूट, जो सीरीज में दे रखा है, वही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल कोई कैलकुलेशन नहीं, देखते ही आपने आंसर निकाल लिया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट सीरीज देख लेते हैं, लास्ट हमारा टाइप, रूट थर्टीन इंटू, यहाँ पे देखिए पहली सीरीज में क्या था, ये इनफाइनाइट टाइम्स पे जा रहा था, अब यहाँ पे चेंज क्या होगा, रूट थर्टीन इंटू रूट थर्टीन इंटू रूट थर्टीन, ये डेफिनिट नंबर की सीरीज है, यानी कि ये हो सकता है तीन बार हो, चार बार हो, पांच बार हो, छह बार हो, कितने बार भी हो सकता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, आपको लिखना है जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर आप लिख लीजिए, थर्टीन दिया हुआ था लिख लिया हमने, कितने बार है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच बार है, मैंने लिखा थर्टीन की पावर टू की पावर फाइव, और यहाँ पर आएगा इससे एक कम, यानी कि टू की पावर फाइव
माइनस एक, यानी कि 2 की पावर 5 क्या होता है 32, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता था इसको 13 की पावर 32 और इससे एक कम यानी कि 31, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए हुआ ना आसान, आप देखते ही डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए सारे टाइप की सीरीज हमने डिस्कस कर ली है और हम इस पर अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने पहली सीरीज दे रखी है √72 + √72 + √72 इनफाइनाइट टाइम्स पे जा रहा है। सेकंड सीरीज मैंने दे रखी 11 + √11 + √11 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स। नेक्स्ट सीरीज मल्टीप्लीकेशन वाली और फिर फाइनाइट नंबर वाली। ओके, सो ये हमारी यहाँ पे सीरीज को हमें कैसे सॉल्व करना है ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। इस पर एक नेक्स्ट वीडियो भी बनेगी कि हम डिफरेंट टाइप के सीरीज और देखेंगे कि कैसे हम और जल्दी से जल्दी उन टाइप की सीरीज का भी सॉल्यूशन निकाल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।